सत श्री अकाल। स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज दे विच। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों देश निकाले का सामना कर रहे पंजाबी विद्यार्थियों को भरोसा दिता। उन्होंने कहा कि असं विद्यार्थियों हुई धोखाधड़ी तो जाणू हाँ, पीड़ित विद्यार्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि साडा मकसद पीड़िता सजा देना नहीं, उन्होंने न्याय होगा। पीड़ित विद्यार्थी अपना पक्ष रखेंगे तो उन्होंने इंसाफ मिलेगा। असं विद्यार्थियों हुई धोखाधड़ी तो भली भांति जाणू हाँ। उड़ीसा के जाजपुर क्यूंझर एयर रेलवे स्टेशन से एक माल गड्डी हेठ आने नाल घट्टो घट्ट 6 मजदूरों की मौत हो गई, 2 जख्मी ने। एक अधिकारी ने दसिया कि मजदूरों ने भारी बारिश तो बचने लिए खड़ी हुई माल गड्डी हेठ आसरा लिया कि अचानक बिना इंजन के माल गड्डी चल पई तो मजदूरों नूं उस थल्लों निकलण का मौका नहीं मिलिया। आखे कि इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, 2 जख्मी हो गए। पंजाब च नशीले पदार्थों की तस्करी कारण पैदा हो रही लगातार चुनौतियों नाल जिठण दे यत्नां तहत पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जिला अमृतसर के सरहदी पिंडां दा दौरा किया। इस दौरान राजपाल ने मीडिया नाल गल करदे कहा कि मैनूं नशे नाल खत्म हो रही आने वाली पीढ़ी की चिंता। उन्होंने कहा कि सरहद पारों नशा भेजन से पाकिस्तान नूं सबक सिखाउण दी लोड़ है। मेरा मनना है कि पाकिस्तान खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। उन्होंने आखिया कि 3 महीनों बाद फिर इस खेत्र का दौरा करेंगे। लुधियाना के न्यू कोर्ट कंपलैक्स नेड़े धमाका होने की खबर सामने आई थी तो लोग काफी डर गए सन, पर बाद च पुलिस ने दसिया कि इत्थे किसी तरह का कोई धमाका नहीं होया। धमाके की असल सच्चाई बारे दसदियां एसीपी सिविल लाइन जसरूप कौर बाट ने दसिया कि जिला कोर्ट कंपलैक्स नेड़े धमाका नहीं होया। उन्होंने लोगों को अपील की है कि वह घबराउण ना, ना किसी तरह की अफवाह से यकीन करन। डेरा ब्यास दी संगतां लई चंगी खबर है। दरअसल रेलवे विभाग डेरा ब्यास तो सहारनपुर ते हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों विचाले विशेष रेलगड्डियां चलाउण जा रहे। विभाग वालों जारी की गई सूचना के अनुसार हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तो 29 जून शाम 7:40 से रवाना हो गया। अगले दिन तड़के 4:05 से ब्यास पहुंचेगी। इस गड्डी का दोवें पासों ठहराव नवी दिल्ली सब्जी मंडी अंबाला कैंट लुधियाना जलंधर स्टेशनों विखे होगा। देहाती क्राइम ब्रांच के थाना नूर महल की पुलिस वालों सांझे ऑपरेशन दौरान पुलिस ने उस समय सफलता मिली जदों पुलिस ने नूर महल इलाके डकैती करने वाले गिरोह के 8 मैंबरों को गिरफ्तार किया, जदों की 5 मैंबर फरार दसे जा रहे हैं। एसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने दसिया कि दोषियों खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है। पंजाब सरकार वालों वख-वख मुद्दों ते विधानसभा का विशेष इजलास बुलाने की तैयारी की जा रही। दसिया जा रहा है कि आरडीएफ मार्केट फीस से एनएचआरएम फंड के मामले से विशेष इजलास सद्या जा सकता है, जिस दौरान केंद्र सरकार को घेरन की तैयारी है। केंद्र वालों पंजाब सरकार के कई तरह के फंड रोके हुए हैं, जिहे च पंजाब सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसलिए आने वाले दिनों मान सरकार इस मामले से विधानसभा इजलास से चर्चा कर सकती है। कुदरती क्रोपी ते सरकार दी गलत नीतियों का किसान हमेशा ही शिकार हुंदा रहा। इसकी मिसाल उदों मिली जदों बीती दुपहर आई तेज बरसात कारण सानक शहर की दाणा मंडी सुकण लई पाई लाल मिर्च का भारी नुकसान हो गया। वड्डी मात्रा दे विच मिर्चां बरसाती पानी च बह गईआं, जो सड़क ते तैरदीआं देखीआं गईआं। कुछ दिन पहलां भी आई तेज़ हनेरी कारण वड्डी मात्रा च मिर्चां दूर दूर तक खेतां विच खिलर गईआं। कांग्रेस ने कनेडा च साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कतल को दर्शाते हुए झांकी कटे जाने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि भारत सरकार को यह मुद्दा कनेडा के सामने मजबूती नाल चुकना चाहिए। पार्टी जनसक ते जयराम रमेश ने ट्वीट करके विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपील की है। मीडिया जाइया खबरों अनुसार कनेडा के ब्रैम्पटन च खालिस्तान समर्थकों ने हाल ही के इंदिरा गांधी के कतल को दर्शाते हुए झांकी कटी। माता गुजरी कॉलेज के पंजाब एंड कॉलेज टीचर यूनियन के वालों सरकार की नवी दाखिला नीति खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा। यूनियन की स्थानक इकाई के प्रधान डॉक्टर रशीद ने कहा है कि पंजाब सरकार नवी नीति राही सारे सरकारी ते गैर सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों दाखिले तो करेगी, पर सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों इस पोर्टल तो बाहर रखा है, जिसका सीधा नुकसान है। कॉलेज से सहायता प्राप्त कॉलेज घाटे में होंगे। जम्मू कश्मीर के माजीन के शिवालिक जंगलों त्रिपुति बालाजी का मंदिर तैयार है। अज तो श्रद्धालुओं लिए इसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की 8 से 6 फुट की मूर्ति स्थापित की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी मंदिर के दरवाजे श्रद्धालुओं लिए खोल दिए जाएंगे, जिस तों बाद श्रद्धालु मंदिर तक पूजा पाठ कर सकेंगे। त्रिपुति बालाजी मंदिर सिदड़ा के माजीन पिंड 62 एकड़ जमीन से 32 करोड़ की लागत नाल बनाया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर हुई हिंसक झड़पों तो बाद रात को स्थिति काबू हेठ सी। कुछ हिंदू संगठन ने इत्थे बंद का सद्दा दिता सी। यह विवाद मुगल हुकमरान औरंगजेब ते मैसूर के टीपू सुल्तान के कथित तौर पर स्टेटस लाने लैके शुरू होया। ट्रांस ऑडियो संदेश को सोशल मीडिया से स्टेटस वजो पोस्ट करके विरोधी भीड़ ने पथराव किया। लोगों को हटाने लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस इलाके में इंटरनेट बंद करने की तैयारी कर रही।
ऑस्ट्रिया एक सुरंग लंघ रही एक यात्री ट्रेन में अग लगन मगरों अधिकारियों ने ट्रेन में सैकड़े यात्रियों सुरक्षित बाहर कढ़िया। अधिकारियों ने दसिया कि घटना में करीब 50 लोगों मामूली सट्टा लगिया ने। खबर मुताबिक स्थानक अधिकारियों ने दसिया कि करीब 370 यात्रियों नाल ट्रेन टायरोल खेत्र में इंसबुरक के पूर्व में फ्रिटजेंस ने सुरंग सी तो उस अग लग गई। मशहूर न्यूज एंकर गीतांजलि अय्यर का देहांत हो गया। 76 साल के सन उसने दूरदर्शन में 30 साल तो समय तक काम किया। अय्यर की मौत कारण प्रशंसकों च सोग की लहर दौड़ गई। गीतांजलि अय्यर ने कलकत्ता के लोरेटो कॉलेज तो ग्रेजुएशन की। गीतांजलि देश की पहली अंग्रेजी न्यूज एंकरों में एक सी। अय्यर ने 1971 में दूरदर्शन में काम शुरू किया। चैनल नाल अपने करियर दौरान 4 बार सर्वोत्तम एंकर का पुरस्कार भी हासिल किया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले च बोरवेल च डिगी 2.5 साल की बच्ची नूं बचाउण लई जारी मुहिम च तीजे दिन रोबोटिक माहरां दी इक टीम शामिल हुई। एक अधिकारी ने दस्सिया कि मंगलवार दोपहर नूं मुंगावली पिंड दे इक खेत च 300 फुट डूंघे बोरवेल च डिगी बच्ची नूं बचाउण लई अज रोबोटिक माहरां दी इक टीम भी मुहिम च शामिल हुई है। बचाव मुहिम दा अज तीजा दिन है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दस्सिया कि बच्ची नूं बोरवेल विच इक पाइप जरिए आक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। पाकिस्तान में एक होर हिंदू नाबालिग कुड़ी को अगवा करके जबरी धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया। 28 मई को सिंध सूबे के टांडो आदम जिले की रहने वाली संध्या कुमारी नाम की हिंदू नाबालिग कुड़ी को उसके पिंड तो अगवा कर लिया गया। इससे उसके पिता ने दोष लाया कि जिला एसोसीएशन के एक मैंबर सैयद मोहम्मद इमरान ने उसकी धीन अगवा कर लिया। बार बार कोशिशों के बावजूद पुलिस ने उस खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस ने पीड़ित परिवार को बुलाया और उन्होंने संध्या का हल्फनामा दिखाया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।